नमस्कार। हिमाचल अभी .com से मैं दिव्या, पेश है आज के मुख्य समाचार। पीएम नरेंद्र मोदी 3 अक्टूबर को करेंगे अटल रोहतांग टनल देश को समर्पित। हिमाचल में स्कूल खुले, कहीं खाली दिखा परिसर तो कहीं पर इक्का दुक्का छात्र ही पहुंचे। कोरोना के हिमाचल में अब तक 100 से अधिक केस, 252 हुए ठीक, 6 की गई जान। कोविड प्रोटोकॉल के तहत हुआ पूर्व मंत्री श्यामा शर्मा का अंतिम संस्कार, भतीजे ने दी मुखाग्नि। सरकारी स्कूलों के क्लासरूम होंगे ऑनलाइन, पहले चरण में 17 का काम होगा पूरा। नौणी विश्वविद्यालय को कृषि अनुसंधान परिषद से मिला बड़ा प्रोजेक्ट, 25 करोड़ की है परियोजना। ग्राहकों तक सीधे पहुंचेंगे किसान बागवानों के उत्पाद, डाक विभाग ने शुरू की बिजनेस पार्सल सेवा। पालमपुर कृषि विश्वविद्यालय ने विभिन्न कक्षाओं की प्रवेश परीक्षा तिथियां की घोषित। SOS की मैट्रिक व जमा 2 कक्षाओं की प्रैक्टिकल परीक्षा की डेट शीट जारी। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी का 3 अक्टूबर को अटल टनल के उद्घाटन के लिए आने का कार्यक्रम लगभग तय हो चुका है। वह इसी बारे में चर्चा करने के लिए आज राजभवन गए थे। उन्होंने राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से इस बारे में चर्चा की है। उन्होंने कहा कि पीएम के अभी तक के कार्यक्रम के मुताबिक वे 3 अक्टूबर को पहले मनाली आएंगे, उसके बाद लाहौल जाएंगे। पीएम मोदी पलचान में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ जनसभा को भी संबोधित कर सकते हैं। सीएम ने ये बात राजभवन में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में कही। पहले प्रधानमंत्री का सितंबर अंत में आने का ही कार्यक्रम था, मगर अब पीएमओ से 3 अक्टूबर को आने की मंजूरी दी है। हालांकि ये भी पीएम का संभावित कार्यक्रम ही होगा। सामरिक महत्व की ये सुरंग देश का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। करीब 9 किलोमीटर लंबी सुरंग का नाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है। पीएम टनल से गुजरने वाली बस को हरी झंडी दिखाएंगे। लाहौल के बुजुर्गों को सम्मानित कर सबसे पहले बस से टनल पार कराई जाएगी। हिमाचल प्रदेश में आज से सरकार ने 9वीं से 12वीं के छात्रों के लिए स्कूल खोल दिए। हालांकि कई स्कूल में नाम मात्र विद्यार्थी पहुंचे। करीब 6 माह बाद 50% स्टाफ के साथ स्कूल खुल गए। जिला कांगड़ा के धर्मशाला स्थित स्कूल में कुछ छात्र पहुंचे थे। शिमला के कुछ स्कूलों में छात्र अध्यापकों का मार्गदर्शन के लिए पहुंचे। मंडी जिला के स्कूलों की बात करें तो पहले दिन कोई भी बच्चा स्कूल नहीं पहुंचा। कुल्लू जिले में कुछ छात्र पहुंचे। ऊना व सोलन में भी छात्रों ने स्कूल से दूरी बनाए रखी। हमीरपुर में कुछ छात्र अभिभावकों की सहमति के साथ स्कूल पहुंचे थे। जिन स्कूलों में छात्र स्कूल पहुंचे थे वहां पर SOP का पूरा पालन किया गया। सामाजिक दूरी का पालन और सैनिटाइज करने के बाद स्कूल परिसर तथा कक्षाओं में प्रवेश दिया गया। स्कूल परिसर, क्लासरूम सहित सभी कमरों को सैनिटाइज किया गया और शौचालयों की साफ सफाई के साथ साबुन की व्यवस्था भी की गई थी। हिमाचल में आज अब तक कोरोना के 120 मामले सामने आए हैं। इसमें मंडी व चंबा से 23-23, सिरमौर से 21, हमीरपुर में 18, लाहौल स्पीति में 12, सोलन में 9, ऊना में 6, बिलासपुर में 5, कांगड़ा में 2 व शिमला में 1 मामला सामने आया। वहीं आज 252 कोरोना पॉजिटिव ठीक हुए हैं। इसमें मंडी के सर्वाधिक 82, सिरमौर के 73, सोलन के 42, कांगड़ा के 27, किन्नौर के 12, बिलासपुर के 7, हमीरपुर के 4, कुल्लू के 3 व चंबा के 2 लोग ठीक हुए। वहीं आज 6 कोरोना पॉजिटिव की मौत हुई। इसमें कांगड़ा में 2, मंडी में 3, सिरमौर में 1 की मौत हुई है। हिमाचल में कुल आंकड़ा 12,269 पहुंच गया है। अभी 4,326 एक्टिव केस हैं। अब तक 7,804 लोग ठीक हो चुके हैं। कोरोना मृत्यु का आंकड़ा 123 पहुंच गया है। हिमाचल में कोरोना रिकवरी रेट अभी 73.60% के आसपास है। डेथ रेट की बात करें तो ये 1.00 पहुँच गया है। प्रदेश में आज अब तक 696 सैंपल जाँच को आए हैं। इसमें से 355 नेगेटिव रहे हैं। आज के सैंपल में 78 पॉजिटिव मामले हैं, बाकी पॉजिटिव केस पेंडिंग सैंपल से हैं। आज के 263 सैंपल की रिपोर्ट आने अभी बाकी है। हिमाचल में अब तक 266,663 सैंपल जांच को लिए जा चुके हैं, जिनमें से 253,615 नेगेटिव रहे हैं, वहीं 12,269 पॉजिटिव आए हैं। पूर्व मंत्री श्यामा शर्मा का सोमवार दोपहर बाद नाहन में कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत अंतिम संस्कार कर दिया गया। श्यामा शर्मा को उनके भतीजे भरत शर्मा ने मुखाग्नि दी। श्यामा की कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद अंतिम संस्कार में कुछ ही लोगों को भाग लेने की अनुमति दी गई। श्यामा 1 सप्ताह से अस्वस्थ चल रही थी। श्यामा को लीवर लंग्स में इन्फेक्शन, सांस लेने में दिक्कत और डिहाइड्रेशन की समस्या हुई थी।
सोमवार सुबह उन्हें मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया, जहां से डॉक्टरों ने उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद चंडीगढ़ रेफर कर दिया। पंचकुला में उन्हें एक निजी अस्पताल में पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सीएम जयराम ठाकुर, पूर्व सीएम शांता कुमार सहित बीजेपी के सभी नेताओं ने श्यामा शर्मा के निधन पर शोक व्यक्त किया। अन्य समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में अब ऑनलाइन क्लासरूम होंगे। कोरोना काल में रुके इस कार्य को एक बार फिर से शुरू करने के आदेश शिक्षा विभाग ने जारी कर दिए हैं। पहले चरण में शिक्षा विभाग 17 स्कूल कॉलेज के क्लासरूम को वर्चुअल बनाएगा। इससे पहले पिछले वर्ष ये कार्य पूरा किया जाना था, लेकिन कोविड की वजह से रुक चुका था। शिक्षा विभाग ने स्कूल खुलने के बाद वर्चुअल क्लासेस के कार्य में तेजी लाने पर फोकस किया है। दरअसल अब कोरोना काल में ऑनलाइन स्टडी के विस्तार पर ज्यादा काम किया जा रहा है। यही वजह है कि अगर छात्र स्कूल आते भी हैं तो वर्चुअल क्लासरूम में छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाने में शिक्षकों को आसानी हो जाएगी। पहले चरण में केवल 17 स्कूल में वर्चुअल क्लासेस के कार्य को पूरा किया जाएगा। उसके बाद धीरे धीरे शिक्षा विभाग सभी स्कूलों में वर्चुअल क्लासरूम तैयार करेगा। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार, औद्योगिकी एवं वाणिज्य विश्वविद्यालय नौणी का चयन राष्ट्रीय कृषि उच्चतर शिक्षा योजना में हुआ है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित इस योजना के तहत नौणी विश्वविद्यालय को प्रतिष्ठित संस्थागत विकास परियोजना के लिए चुना गया है। इस 3 वर्षीय परियोजना का कुल परिव्यय 25 करोड़ रुपए है, जिसमें परिषद का हिस्सा 20 करोड़ रुपए और राज्य का 5 करोड़ रुपए है। प्रदेश के किसानों व बागवानों के उत्पाद अब सीधे ग्राहकों तक पहुंचाए जाएंगे। बागवानों व किसानों के उत्पाद दिल्ली व चंडीगढ़ के शहरों के घर द्वार पहुंचाने का कार्य डाक विभाग की बिजनेस पार्सल सेवा के तहत किया जाएगा। सोमवार को डाक विभाग द्वारा इस योजना का शुभारंभ किया गया। पर्यटन नगरी नारकंडा में डाक विभाग व वायुमार्ट के बैनर तले MV एबिड प्राइवेट लिमिटेड बेंगलुरु के मध्यम करार हुआ है। डाक परिमंडल की चीफ पोस्ट मास्टर जनरल मीरा रंजन शेरिंग ने उक्त योजना का शुभारंभ किया। वायुमार्ट.com एक ऑनलाइन मार्केट है, जिसके माध्यम से किसानों व बागवानों को अपने खेत व बगीचों के उत्पाद डाक विभाग के माध्यम से सीधे उनके ग्राहकों तक पहुंचाया जाना है। चौधरी सरवण कुमार, हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय ने वेटनरी की BVSC व पशुपालन तथा BSc ऑनर्स कृषि और MSc कृषि व वेटनरी के मास्टर्स कक्षाओं MVSC में दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षा 2020 की तिथियां घोषित कर दी हैं। BVSC व पशुपालन तथा BSc ऑनर्स कृषि की प्रवेश परीक्षा 2020 10 अक्टूबर को आयोजित की जाएगी। MSc कृषि तथा वेटनरी की मास्टर्स कक्षाओं में दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षा 18 अक्टूबर को आयोजित की जाएगी। प्रोस्पेक्टस में दर्शाई गई प्रवेश परीक्षाओं व काउंसलिंग की तिथियों और मेरिट आधार पर भरी जाने वाली सीटों की काउंसलिंग की तिथियों में भी परिवर्तन किए गए हैं। इसकी विस्तृत जानकारी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। राज्य मुक्त विद्यालय के अंतर्गत सितंबर के लिए मैट्रिक व जमा 2 कक्षाओं की प्रैक्टिकल परीक्षा की दिनांक सूची व आवश्यक निर्देश सूची बोर्ड की वेबसाइट hpbose.org पर राज्य मुक्त विद्यालय के अध्ययन केंद्रों के यूजर पर अपलोड कर दी गई है। राज्य मुक्त विद्यालय के परीक्षार्थी प्रैक्टिकल परीक्षा के संबंध में जानकारी के लिए अपने अध्ययन केंद्र में संपर्क करें। हिमाचल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. सुरेश कुमार सोनी ने बताया कि बोर्ड द्वारा राज्य मुक्त विद्यालय के अंतर्गत पंजीकृत एवं अध्ययनरत मैट्रिक के अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा 15 से 22 सितंबर तक व जमा 2 के अभ्यर्थियों की परीक्षा
15 से 26 सितंबर तक बोर्ड द्वारा स्थापित परीक्षा केंद्रों में संचालित करवाई जाएगी। इसी के साथ आज के समाचार यहीं समाप्त होते हैं। धन्यवाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल।